हमारा चरवा हमारे लिए अपना प्राण दे सकता है, तो क्या हम प्रभु के लिए अपना समय नहीं दे सकते? लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। हेलो सबको, जय मसीह की। विजनरी टीवी पर फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें और अपने आप को हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हम अपने आप को मजबूत करें। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। फिर से मैं आप सभी का विजनरी टीवी पर सबका स्वागत करती हूँ। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें और अपने आप को हम सब लोग मजबूत बनाएं प्रभु यीशु मसीह में। सो मेरा आज का जो सब्जेक्ट है, भेड़े, भेड़शाला। जो भेड़शाला जो होती है, वहाँ पर क्या रहती है? भेड़े रहती है, बहुत सारी भेड़े रहती है। और गौशाला में क्या रहती है? बहुत सारी गायें रहती हैं। और चर्च में कौन लोग इकट्ठा होते हैं? कलीसिया इकट्ठा होती है। तो ये कलीसिया जो इकट्ठा होती है, कहाँ इकट्ठा होती है? चर्च में, परमेश्वर के भवन में, यानी कलीसिया में इकट्ठा होती है। सो आज हम भेड़ों के बारे में थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और अपने आप को हम और तैयार करेंगे। सो पहले तो मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जो भेड़शाला में जो भेड़े होती है, तो बहुत सारी भेड़े होती है और सब भेड़ों का स्वभाव अलग अलग है। जैसे कुछ भेड़े जो है उछल कूद करती होगी इधर उधर, कभी इसको सींग मारना, कभी उसको सींग मारना। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी जो भेड़े हैं वो किस तरह से खाना खाती हैं। कुछ जो भेड़े होती हैं वो कम खाना खाती है। इसका मतलब क्या है? कम खाना खाती है, लेकिन वो क्या, बहुत ज़्यादा हेल्दी और गब्बू गब्बू हो जाती है। और कुछ भेड़े जो है जो बहुत ज़्यादा खाना खाती है, बहुत खाना खाती है, फिर भी वो भेड़े कैसी होती हैं? पतली रहती हैं, बहुत ज़्यादा पतली रहती हैं। और भी भेड़े जो होती हैं, उसमें कुछ भेड़े जो ऐसी होती है जो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, ऐसे सुस्त यहाँ बैठी रहेगी, वहाँ बैठी रहेगी, है ना। कुछ भेड़ों का स्वभाव ऐसा होता है। और कुछ भेड़े जो है इतना खाना खाएंगी, इतना घास खाएगी, जो भी उनको भेड़ों को खाना दिया जाता, बहुत 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 ज़्यादा खाते रहती है। सो हर एक भेड़ जो है अलग अलग तरीके से खाना खाती हैं, उनकी अलग अलग डाइट्स है, उनके पेट के हिसाब से वो लोग भेड़े जो है खाना खाती हैं। वैसे ही हम सब भी परमेश्वर की भेड़े हैं। जी हाँ, हम सब, आप सोचेंगे हम भेड़ नहीं, हम इंसान हैं। सो नहीं, हम प्रभु की भेड़े हैं और हमारा चरवाहा जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, जो हमें चलाने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। वो इसलिए आया कि हमें सही राह पर ले चले। वो इसलिए आया कि हम पाप से अपने मन को फिराएं। वो इसलिए आया कि हम अपनी संगति जो है पिता से, जो टूट गई है, जो हम पिता से दूर हो गए हैं, वो संगति को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। सो वो हमारा सबसे बेस्ट और सबसे महान हमारा चरवाहा है। सो हम सब भेड़ों को भी ज़रूरत है कि हम चरवाहे की आवाज़ को सुने। चर्च में जो परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं, पास्टर्स अलग अलग कलीसिया में, वो अपनी भेड़ों को परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, बाइबल से सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम मनुष्य मोबाइल में लगे रहते हैं, घूमने फिरने में जाने में लगे रहते हैं, और दूसरे कामों में हमारा मन लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में आने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में हम सब भेड़े खोई हुई हैं। हम परमेश्वर से दूर हैं। हम अपना समय परमेश्वर को जो देना है, हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। सो परमेश्वर इसलिए आया कि हम जो खोई हुई भेड़े हैं, हमें संसार से अलग करके, वो हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में टूट चुका है, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं। सो मैं बताना चाहूँगी कि हम सब भेड़े चर्च में आते तो हैं, हम सब लोग चर्च में आते हैं,
सो वो भेड़े जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि कुछ कम खाना खाती है और गब्बू गब्बू हो जाती है, और कुछ जो है खाना नहीं खाती है फिर भी वो हेल्दी हो जाती है, कुछ जो है वो सिर्फ खाना ही नहीं खाती, कुछ है जो खाना खाती रहती है। वैसे हम सब जो चर्च में जो लोग बैठते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि कुछ जो लोग हैं प्रभु के दास, परमेश्वर के जीवित कलाम से, जीवित वचन जो हमें सिखाते हैं बाइबल से, कुछ लोग हैं जो सुनते हैं और वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करते हैं, वो अपने जीवन में उन्नति पाते हैं, वो अपने जीवन में बढ़ोतरी पाते हैं, उनके घर में आशीषें होती हैं। कुछ भेड़े वो है जो ज़्यादा खाना खाती है और पतली रहती है, वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और समझते भी हैं, लेकिन वो क्या है कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करते हैं, वो अपना जो समय है वो जो परमेश्वर को देना चाहिए वो नहीं देते हैं। सो वो इस वजह से आत्मिक तौर से वो लोग पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, वो परमेश्वर से दूर होते हैं। कुछ भेड़े वो ऐसी होती है कि जो सिर्फ खाना नहीं खाते, इधर उधर बैठी रहती है सिर्फ सोने में ये। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं भवन में कि जो वचन को सुनते हैं और लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास्टर आगे क्या बोल रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ोस में बच्चा रो रहा है तो वो बच्चे में लग जाती है, कोई बातचीत कर रहे, कुछ भेड़ों का ध्यान सिर्फ इधर उधर की बातों की ओर लगा रहता है, लेकिन जो पास्टर के द्वारा हम जो परमेश्वर का जीवित वचन हम तक पहुंचता है, हम उस वचन को नहीं सुन पाते हैं। कुछ भेड़े ऐसी हैं जो वचन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, कैसी लाइटिंग्स लगी है, किसने क्या साड़ी पहनी है, किसने क्या, कोई क्या कर रहा है, इन बातों की तरफ कुछ भेड़े ध्यान लगाती हैं। सो अलग अलग तरह के स्वभाव की भेड़े भी चर्च में आती हैं, और मैंने कहा था कि कुछ भेड़े जो है जो खाते रहती है। सो उस तरह के लोग भी चर्च में आते हैं कि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बहुत अधिक सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में खालीपन है, उनके जीवन में वचन नहीं है। वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उनके जीवन में वचन नहीं है। उनके घर में लड़ाई होती है, उनके बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि नहीं, मैं प्रभु का हूँ, मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूँ, लेकिन उनका असली जो रियल जो जीवन है वो प्रभु में सही नहीं है। सो अलग अलग स्वभाव के लोग चर्च में आते हैं और वचन को सुनते हैं। सो हम सब परमेश्वर की भेड़े हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, लेकिन हम अपने जीवित परमेश्वर के बलिदान को हम याद रखें। प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारे लिए संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख तकलीफ को सहा, किसके लिए, हमारे लिए। तो हम जो भेड़े चर्च में जो बैठी है और जो वचन को सुनती है, समझती है, सीखती है, सो वचन को हल्के में ना ले, अपने जीवन में पहला स्थान हम परमेश्वर को दे और परमेश्वर की संगति को दे और प्रार्थना को दे, तभी हम परमेश्वर की भेड़शाला की भेड़े कहलाएगी, तभी हम परमेश्वर की बच्चे कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हमारा चरवा हमारे लिए अपना प्राण दे सकता है, तो क्या हम प्रभु के लिए अपना समय नहीं दे सकते, क्या हम प्रभु के लिए अपना जीवन नहीं दे सकते। मुश्किल है ऐसे भागा दौड़ी वाले जीवन में, लेकिन फिर भी हमें अपना जो जीवन है वो परमेश्वर को समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें भी परमेश्वर की अच्छी भीड़ बनना है, सुनने वाली भीड़ बनना है, ना कि किसी को दिखाने वाली भीड़ नहीं बनना है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छी प्रार्थना करता हूँ, वो नहीं बनना है, क्योंकि आपका मन परमेश्वर जानता है, आप कितना समय परमेश्वर से बात करते हैं वो परमेश्वर जानता है। सो हमें परमेश्वर में बने रहना है और अपने आप को उस भेड़शाला की भीड़, अच्छी भीड़ बनने में हमें लगे रहना चाहिए, तभी परमेश्वर कहेगा ये मेरी सबसे प्रिय भेड़ है। सो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।